बहुत ऊँची और स्वस्थ होंगी हमेशा की तरह मैं अंकिता। तो गाइज आज मैं आप लोगों का सिंपल हेयर स्टाइल लेके आई हूँ। पफ मेकर की मदद से आप लोग कैसे पफ बना सकते हैं, मैंने लेकिन एक बिना पफ मेकर की मदद से मैंने पफ बनाया हुआ वो वीडियो डाला हुआ मैंने ऊपर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरी वीडियो जाकर देख लीजिएगा और उसको लाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन गाइज अभी चलो हम पफ मेकर की मदद से आप लोगों को आपको वीडियो बनाना दिखा दीजिए। मेरे पास तीन पफ मेकर हैं, तीन टाइप के, एक बड़ा साइज, एक छोटा साइज, एक छोटा साइज। गाइज आप इसकी मदद से आराम से अपना पफ बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको आराम से अपने बालों में रखना है और बनाना है। तो गाइज चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलो ठीक है गाइज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बालों को अच्छे से कंघी कर लेती हूँ ताकि बाल मेरे अड़े नहीं। मैं अपने बालों को ऐसे ही इसको ऐसे पीछे रखना है, इसको पीछे रखें चिपकाना है बालों में। थोड़े आगे के बालों को मेरे को छोड़ना है, मैं आपको डिजाइन बना के दिखाऊंगी। ये भी बहुत पीछे है ना, कितने बाल लेके जाएंगे उतना सही नहीं लगेगा। अच्छे से कर लेना ताकि ये निकले नहीं और इधर उधर गिरे भी नहीं। चलो आगे जो बाल मैंने छोड़े हुए हैं मुझे कुछ नहीं करना, गाइस आपको ऐसे ही लेना है बाल और फिर ऐसे लेना है, फिर एक दूसरे को मोड़ना है, फिर इसको ऐसे लेना ऐसे ऐसे मोड़ना है, फिर ऐसे लेना ऐसे मोड़ना है, फिर ऐसे लेना ऐसे मोड़ना है। गाय साहब इसमें आराम से जूड़ा बना सकते हैं, जूड़ा बनाने के लिए मैंने बाबू से मारा फिर अच्छे मारा फिर अच्छे मारा फिर अच्छी। ये आप देख रहे हैं ये मैंने कांटे की मदद से जूड़े को ऐसे सिक्योर कर लूँगी ताकि आप इसको आराम से सजा भी सकते हैं, फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं इसमें। जैसे कि मेरे पास एक ये ऐसा फ्लावर है तो मैं ये आपको लगा के दिखा देती हूँ। बालों में ऐसे किया मेकर की मदद से पफ तैयार हो गए हैं। तो गाइज बताना आपको ये तीनों स्टेप कैसे लगे मेरे हेयर स्टाइल के। तो गाइज अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अगर अच्छा लगा हो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, और मेरी वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ और कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो। ठीक है गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।